गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अगर के माध्यम में एक नए चैप्टर को शुरू करते हैं। कैसे बनती है कविता? तो कविताओं को आपने सुना है, पढ़ा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कविता है क्या। मनुष्य का जीवन कविता से शुरू होता है। माँ अपने बच्चे को जो लोरियां सुनाती है, वे लोरियां कविता ही होती है। प्रत्येक बच्चे की आरंभिक शिक्षा नर्सरी की कविताओं से शुरू होती है। कविता में जब आसपास की वस्तु जैसे बादल, बिजली, धूप, खेत, खलिहान, वन, नदी, इनका वर्णन हो तो ये सब हमें अनजानी सी लगते हैं। जब कविता में इनका वर्णन करते हैं, फिर भी कविता में एक ऐसा जादू होता है जो श्रोता को भाव विभोर कर देता है, उसके मन को मुग्ध कर देता है। कविता का जन्म वाचिक परंपरा के रूप में हुआ है, यानी पहले कविताएं पढ़ी जाती थी, कही जाती थी मौखिक रूप से। हमारे सभी वेद, चारों वेद कविताओं में रचित हैं। प्राचीन काल का भारतीय साहित्य कविता में रचित है, और आज कविता हमारे पास लिखित रूप में मौजूद है। कविता के बारे में अक्सर यह प्रश्न किया जाता है कि कविता क्या है। यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है, फिर भी हम कह सकते हैं कि कविता हमारे हृदय को आनंद प्रदान करती है, हमें संवेदनशील बनाती है और हमारे मन को छू लेती है। अन्य शब्दों में हम कहें, कविता संवेदनशील तथा रागात्मक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति है। संवेदनशील तथा रागात्मक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति है। तो कविता क्या है, इसी बात को सुमित्रा नंदन पंत ने उत्तर देते हुए कहा है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। अपने उत्कृष्ट क्षणों में हमारा जीवन, अपने उत्कृष्ट क्षणों में हमारा जीवन छंद में ही बहने लगता है। तो ये तो थी कविता क्या है। अब बात आती है कविता बनती कैसे है। इसके लिए शब्द चयन की आवश्यकता होती है, शब्दों से खेलना पड़ता है। जैसे बच्चा क्रिकेट के मैदान में, खेल के मैदान में खेल के साथ खेल के साधन ढूंढता है, उसी प्रकार कवि कविता बनाने के लिए शब्दों को ढूंढता है। कविता कैसे बनती है, इस प्रश्न का उत्तर दे पाना भी अत्यंत कठिन है। कवि एक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होता है, और जिस बात को हम कह सकते हैं, उस बात को कवि कविता के माध्यम से कहता है, या हम ये कहें कि जिस बात को कवि कहता है उस बात को हम उस तरह से नहीं कह सकते। ये कहना गलत न होगा कि कविता लिखने की प्रणाली की शिक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन कुछ पाश्चात्य विश्वविद्यालय और भारतीय विश्वविद्यालय में कविता लिखने के लिए विधिवत प्रशिक्षण दिया जाने लगा है।
संभवतः कविता लिखने की शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति सफल कवि भले ही न बन सके। कविता लिखने की शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति सफल कवि न बने भले ही, लेकिन वह एक सहृदय और संवेदनशील पाठक अवश्य बन जाएगा और एक अच्छी कविता को बार बार पढ़ने का मन करेगा। उसके भाव हमारे मन में स्थायी रूप से स्थान ग्रहण कर लेंगे और वह कविता हमें बार बार सोचने के लिए मजबूत भी करेगी। जिस तरह से चित्रकला में रंगकूची कैनवास की आवश्यकता होती है और संगीत में स्वर ताल लय की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कविता लिखने के लिए बाह्य उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इतना निश्चित है, कविता की रचना करने के लिए भाषागत उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। भाषागत उपकरणों की आवश्यकता, और भाषा सबके पास होती है। यही भाषा अन्य विषयों को पढ़ने का माध्यम होती है, लेकिन कवि अपनी इच्छा के अनुसार शब्दों का प्रयोग करता है और उनके माध्यम से लय उत्पन्न करता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कविता की रचना करने के लिए भाषा पर समुचित अधिकार होना नितांत आवश्यक है। कविता लिखने के लिए भाषा पर समुचित अधिकार होना नितांत आवश्यक है। एक सफल कवि अपनी आवश्यकता के अनुसार भाषा का प्रयोग करके अपने भावों को अभिव्यक्त करता है और कविता की रचना कर देता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कविता की रचना करने के लिए भाषागत उपकरणों की आवश्यकता होती है। शब्दों से खेलना पड़ता है, शब्द चयन का ध्यान रखना पड़ता है। अब बात आती है कि शब्द चयन का क्या महत्व होता है कविता में, शब्द चयन का कविता में महत्व क्या है। कविता का प्रथम उपकरण ही शब्द है, बिना शब्द के कविता संभव नहीं है। आचार्य भामह ने शब्द और अर्थ के सहित भाव को ही कहा है कविता, शब्द और अर्थ के भाव को कहा है कविता। इसका अर्थ है कि सार्थक शब्दों के प्रयोग से कविता बनती है, निरर्थक शब्द नहीं हो, शब्द सार्थक हो। और अंग्रेजी के कवि थे W.H. Auden, उन्होंने कहा है प्ले विद द वर्ड्स, अर्थात कविता लिखने के लिए आरंभ में शब्दों से खेलना आवश्यक है। प्ले विद द वर्ड्स, कविता लिखने के लिए शब्दों से खेलना आवश्यक है। जो व्यक्ति कविता की रचना करना सीख जाता है उसे शब्दों से मेलजोल बढ़ाना चाहिए और शब्दों के भीतर छिपे हुए अर्थों को खोजना चाहिए। शब्दों से जुड़कर ही हम कविता के संसार में प्रवेश कर सकते हैं, और शब्दों से हम नहीं जुड़ेंगे, शब्दों से हम नहीं खेलेंगे तो कविता के संसार में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बच्चे अक्सर गीतों की रचना कर लेते हैं, इसका आशय है हुआ कि कविता की रचना करने के लिए कविता की रचना करने की प्रतिभा थोड़ी बहुत सब में होती है। केवल बच्चों द्वारा रचित गीतों को तराशने की आवश्यकता होती है। जैसे बच्चे गीत बना लेते हैं, बारिश आई छम छम छम, लेकर छाता निकले हम, बादल गरजा डम डम डम, पैर फिसल गया गिर गए हम, नीचे छाता ऊपर हम। ये बच्चों के द्वारा जो तुकबंदी की गई है, ऐसी ही तुकबंदी करने की क्षमता प्रत्येक व्यक्ति में होती है। अब ये जो गद्यांश है, कवि ने शब्द और उनकी ध्वनियों को सोच समझकर चयन किया है। जैसे छाता ने बारिश आई छम छम छम, छम आ रहा है पहली लाइन में, छाता लेकर निकले हम, तो छम हम, तो ये शब्दों की ध्वनि है।
और कवि ने सोच समझकर शब्दों की ध्वनि का चयन किया है, वस्तुतः शब्दों से खेलने का प्रयास किया है। कवि ने शब्दों से खेलने की कोशिश की है। धीरे धीरे तुकबंदी के बाद लय और व्यवस्था की ओर ध्यान देने लगता है, लय और व्यवस्था शब्दों की। यही प्रवृत्ति आगे चलकर कवि को अच्छी कविताओं की रचना करने के लिए प्रेरणा भी देने लगती है। यानी कविता में शब्द चयन का महत्व क्या है, इसके लिए हमें पहले शब्दों से खेलना पड़ेगा। तो बस हम अपनी इस पहली वीडियो में इन तीन कविता क्या है, कविता कैसे बनती है, कविता में शब्द चयन का महत्व क्या है, तीन पॉइंटों को समझा हमने अपनी इस फर्स्ट वीडियो में। थैंक यू।